हे गाइस वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई फाइनली दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का सीन रहने वाला है, आज हम जाने वाले हैं भाई अपने घर लुधियाना। अभी होंगे रेडी, उससे पहले जाएंगे खेतों में घूमने के लिए। भाई वंश पता नहीं सुबह सुबह कहाँ पे चला गया, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। 15 मिनट हो गए यार इंतजार करते करते, अभी देखते हैं उसको फिर निकलते हैं खेतों की तरफ। आरव सुबह सुबह उठ चुका है और कर रहा है जिद, इसकी मम्मी गई हुई है बाहर घूमने के लिए और भाई ये भी उठ गए। सारी रात नहीं सोते, कितने बजे सोई थी रात? 2 बजे। 2 बजे और किसी को भी सो देने, सभी उठ गए। वंश भी आ गया भाई, मैं तेरा 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ, चले बाहर चले। चलो गाइस आ चुके हैं भाई खेतों में, आज का व्यू देखिए कितना अच्छा है। ये लगी हुई है यहाँ पे सरसों, जिसका सरसों का तेल निकलता है ना गाइस, इसी से निकलता है। अब इसके दाने पकेंगे, फिर इसको पिछाड़ा जाएगा, जो दाने होते हैं फिर उनको पीसने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। व्यू देखिए भाई, सुबह सुबह लोग खेतों में घूम रहे हैं। गाइस अभी बैठे हुए थे सभी इकट्ठे चाय पी रहे हैं। भाई हमारे गांव में यही सबसे बड़ी खास होती है कि सुबह का नाश्ता चाय खाना सब खाते ना, इकट्ठे ही खाते हैं, अलग अलग नहीं खाते। यहाँ चल रही है पार्टी 2 घंटे हो गए भाई, चल रही है पार्टी आज सब घर पे ही है हमें विदा करने के लिए, सबको बहुत खुशी है आज अपने घर। सबसे ज्यादा चाय पीने वाली लड़की, 2 बारी पी ली, तीसरी बार फिर डिमांड में इसलिए यहीं बैठी हुई कि दो तीसरी बार फिर अब नहीं मिलने की, जा मैं भी मिलेगी चाय। ये भी दूसरी बार, भैया हमारे घर की लड़कियां होती है ना खाती पूरा है इसने सबसे ज्यादा चाय पी, उसने इसने सबसे कम पी और मैंने सबसे कम पी। सबसे ज्यादा चाय तूने पी है। आरव आरव खेल रहा है अपने दादाजी के साथ, आज घर पे जाएगा ना ये, इसलिए दादाजी इसका लाड कर रहे हैं। गाइस सभी आए थे अपने दूसरे प्लाट पे, भाई रविता और चाची यहीं पे आए हुए हैं। मैं इनको कह रहा हूँ कि चलो घर पे रेडी हो जाओ, और भाई रही है ये लगे हुए हैं यहाँ पे, ये हमारे नए किसान जी है, गोबर पाथरे। चलना नहीं क्या घर? चलना है। कितना रह गया? फिर तुम रेडी भी हो गए? वीडियो देख के लगे थे भाई, मतलब कि हमारी 3 बजे की ट्रेन है तो हमें यहाँ से 1 बजे निकलना पड़ेगा, तो मैंने कह रहा हूँ कि चलो भी रेडी हो लो, क्योंकि जो गांव में एक छोटा सा फंक्शन भी है भाई, वही वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है, तो पहले वहाँ पे जाएंगे फिर जाएंगे रेलवे स्टेशन, तो टाइम लग जाएगा 2-3 घंटे। पर भाई ये मान ही नहीं रही, जब चलने का टाइम होगा फिर ये करेगी थोड़ा और रुको थोड़ा और रुको। भाई अब धोएंगे हम बाइक, काफ़ी गंदी हो रखी है, वन से धोएगा आज, ये हमने लगा दिया इसमें टूटी। चला कपड़ा बांधना पड़ेगा कुछ इस पे। भाई बाइक ना मैं देता हूँ अपनी मस्त, अपने बुलेट को अच्छी। ये मैं क्यों दूँ? मैं नहीं दूंगा इसको, कह रहे मुझे तुम दो दो, इसकी ब्रेक भी ढीली होगी। क्या ढूंढ रहा है? टाइट तो खड़ी कर दूंगा। ये हमारा मींगना, कम यार कम यार, आप धोओगे बाइक को? इधर मत आ, आ जाओ उधर उधर चल। हाँ पानी गर्म हो गया पूरा, इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ मेरे साथ चलो। तेरी ठीडेगी तेरी। मैं तो नहाया था, तो पिछले महीने तो नहाया हूँ, मुझे मत छेड़ा करो 1-1.5 महीने। आरब भी आ गए, चाची जी बाहर से आ गए। तो गाइस पहुंच चुके हैं भाई स्टेशन पे, बैठे हुए हैं, अभी ट्रेन आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तब तक करेंगे इंतजार। आरब जिद कर रहा है, ये पीछे ट्रेन खड़ी है ना, आरब कह रहा है कि इसी में चलो, भाई बता कैसे लेके चले। हमारी ट्रेन आ रही है बेटा। भाई घर से तो हम बहुत जल्दी जल्दी में चले हैं, क्योंकि वहाँ से आने में यार 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, तो इसलिए जल्दी चले। अभी 1 घंटा पड़ा हुआ इंतजार कर रहे हैं, आई थिंक इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, और सीट कंफर्म भी नहीं हुई यार, वेटिंग में ही जाना पड़ेगा, देखते हैं किसी डब्बे में करते हैं एडजस्ट। क्या भाई है? नींद आ रही है भाई लड़के को कंबल बिछा के पड़ गया भाई, घर नहीं है ये, उठ वो थक गया। ये देख कैसे दांत निकाल रहे हैं दोनों जने।
तूने इसको सुवाया नहीं रास्ते में? गाइस ट्रेन तो मिल चुकी है पर भाई ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश है, खड़े होके जा रहे हैं। रविता और स्वाति को तो सीट मिल गई, मुझे नहीं मिली। खैर अभी एक डेढ़ घंटे का और रास्ता है, खड़े होके जाना पड़ेगा। अरे पूरी भर रखी है ट्रेन। आजा वीरे आजा, रविता सामने बैठी हुई है वहाँ पे और स्वाति सो गई और अब भी सो गया मैं खड़ा हूँ। तो गाइस आ चुके हैं भाई अपने घर पे, रात के बज रहे 8। आज का सफ़र काफ़ी हार्ड रहा भाई, मुझे तो सीट नहीं मिली। हमारी जो टिकट है ना गाइस वो थोड़ी वेटिंग में थी भाई, रविता और स्वाति को तो सीट मिल गई थी पर मैं पूरी ट्रैवल खड़ा होके आऊँ। अभी भी पहुँचे भाई अपने घर पे पर घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है भाई, कपड़े कुपड़े पूरे ऐसे फैले हुए और पूरे घर में भाई धूल ही धूल होगी। आर अब आते सार लग गया, निकल गया बाहर भाई। अभी करेंगे घर का काम, आज मैं भी इनकी थोड़ी हेल्प करवाऊँगा क्योंकि यार ये भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा थक चुकी है। फिर बनाएंगे भाई खाना और फिर उसके बाद करेंगे आराम काफ़ी। पर यार अपने घर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद आए। आज पहली बार हुआ है कि मैं इतने दिन गांव में रुका हूँ पर गांव में भी भाई काफ़ी अच्छा लगा, माँ हमने फुल एंजॉय किया। ये देखिए भाई बाल और फेस भी थोड़ा काला हो गया यार, सिस्टर भी बोल रही थी कि कितना फेस काला कर लिया। अभी फेस को धोते हैं भाई, बाल भी काफ़ी बड़े हो रखे हैं। कल जाएंगे यार इनको कटवाने के लिए, वहाँ पर तो टाइम ही नहीं लगा और फिर मैंने इसलिए नहीं कटवाया कि पता नहीं कैसे काटेंगे कैसे नहीं काटेंगे, पर वैसे अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं कल इनकी सेटिंग करवाते हैं वरना ऐसे ही रख लेंगे, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं गाइस। तो गाइस बन के रेडी हो चुका है अपना खाना, आलू मटर बनाए हमने, साथ में है उसके प्याज है सिरके वाली और अभी हमारे साथ ही खा रहा है। और गाइस अभी खाते हैं खाना और आज का ये ब्लॉग करते हैं ख़त्म। आई होप आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।